सुरीर में पुरानी रंजिश को लेकर पूर्व में चल रहे मुकदमे में राजीनामा करने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जान से मारने की धमकी दे दी। जानकारी के अनुसार खैरा चौकी क्षेत्र के गांव अमानुल्लाहपुर में पूर्व में चल रही रंजिश को लेकर गांव के ही नामजद लोगों ने खैरा से लौट रहे देवेंद्र को रास्ते में रोका और कहा कि हमारे खिलाफ लिखाए मुकदमे को वापस ले ले, अगर वापस नहीं लिया तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। जिसमें ग्राम प्रधान राजू भाई सत्तो और पुत्र किशोरी लाल के खिलाफ कोतवाली सुरीर में पहुंचकर नामजदों के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, तो वहीं सुरीर कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के संदर्भ में पीड़ित देवेंद्र कुमार ने जानकारी दी। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, कहाँ के रहने वाले हो? महमूदगढ़ी अमानुल्लाहपुर। क्या घटना हुई है, क्या समस्या? ऐसा है, 21 तारीख महीना 9 वो मेरा भतीजा गायब हो, अपहरण करके ले गए थे नामजद बदमाश, जिनके खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराई थी। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल मैं चौकी इंचार्ज ओम सिंह के पास से बैठ आ रहा था, वहाँ अभियुक्त जो है वो शराब पी रहे थे चौकी में बैठ करके। मुझे देखते ही चौकी इंचार्ज ने उसको बंद कर दिया, वहाँ कमरे में छुपा दिया। वहाँ से मुझसे कहा जाओ अपने घर। मैं जो घर आ रहा था वहाँ से, तो पीछे से सत्तो पुत्र किशोरी लाल अभियुक्त, उसमें राजू राजकुमार पुत्रगण किशोरी, ये पीछा करते हुए गाड़ी से आए और मुझे रास्ते में पकड़ लिया। गाड़ी ऊपर देते हुए बोले, साले या तो 2 दिन के अंदर अपना मुकदमा वापस ले, नहीं तुझे जान से मार देंगे। आप यहाँ थाने आए हो क्या? थाने में रात को 100 नंबर को कॉल की, 100 नंबर वाले पहुँचे, इंस्पेक्टर साहब को बताया, ये भी मौके पर पहुँचे, वो लोग भाग गए थे गाड़ी लेकर के, सब लोग फरार हो गए। अब मैं अपना उसका मुकदमा लिखाने आया हूँ।